नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के शासन में एक और काला अध्याय जुड़ गया है। कहा जा रहा है कि लोकतंत्र के सबसे अहम पर्व मतदान को लेकर जिस पर नागरिकों का अधिकार है, उस पर कल एक और खौफनाक हमला हुआ है। और ये हमला किया है उन महिलाओं पर जो अपने लोकतांत्रिक अधिकार का उपयोग करने के लिए अपने घरों से बाहर निकली थी। पूछा जा रहा है कि ये कौन सा लोकतंत्र है जहां महिलाओं को वोट डालने के बदले पिस्तौल का सामना करना पड़े। विपक्ष सवाल कर रहा है कि क्या यही है योगी सरकार का सुशासन, जहां डर और तानाशाही की नीति को लोकतंत्र के चेहरे के रूप में पेश किया जा रहा है। दरअसल मुजफ्फरनगर के मीरापुर विधानसभा के ककरौली गांव में उपचुनाव हो रहे थे। चुनावी माहौल में जब महिलाएं लोकतंत्र के इस पर्व पर अपने मत का प्रयोग करने के लिए मतदान केंद्र की ओर बढ़ रही थी, तो कहा जा रहा है कि ककरौली थाना प्रभारी निरीक्षक राजेश शर्मा ने उन्हें रोकने की हिमाकत दिखाई। पिस्तौल से सुसज्जित होकर वो खड़े थे और महिलाओं को धमकाते हुए ये कहते हुए नजर आए कि अगर तुम आगे बढ़ी तो गोली मार दूंगा। अखिलेश यादव ने खुद इस वीडियो को पोस्ट किया है, देखिए। यही तो मारने के हैं आगे, उनको मारने का आदेश है, उनको मारने का आदेश है। चलो चलो। अब फिलहाल इस वीडियो को देखकर तो ऐसा ही लग रहा है कि ये ना सिर्फ लोकतांत्रिक अधिकार का उल्लंघन था, बल्कि दिखाता है कि यूपी में लोकतंत्र पुलिस के कब्जे में है। और ये सब एक वीडियो में रिकॉर्ड हुआ जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है। महिलाओं ने अपने अधिकार की बात की, लेकिन उन अधिकारों पर तानाशाही का बुलडोजर चला, मगर प्रशासन का कहना कुछ और है। बात एक पक्ष की मानी नहीं जा सकती, इसीलिए दूसरे पक्ष को सुनना भी जरूरी है। प्रशासन ने क्या कहा ये आपको सुनाते हैं। ककरौली में की वीडियो वायरल हुई, इसके बारे में आपका क्या कहना? जनपद मुजफ्फरनगर के मीरापुर विधानसभा के आज 20 नवंबर को हो रहे उपचुनाव में थाना ककरौली के ग्राम ककरौली में एक वीडियो वायरल की जा रही है, जिसमें एक इंस्पेक्टर जो थाना अध्यक्ष ककरौली है उनके द्वारा दंगा नियंत्रण किया जा रहा है। ये वीडियो आधी है और इसको एक साजिश के तहत वायरल किया जा रहा है। पूर्ण सत्य ये है कि ककरौली कस्बे में एक ये सूचना आई थी कि दो पक्षों के बीच में झड़प हो गई है। जब पुलिस वहां पर मौके पर पहुंची तो वहां पर लोगों ने रोड जाम करने का पहले प्रयास किया और फिर जब पुलिस ने उनको वहां से हटाया तो लोगों ने पुलिस के ऊपर पथराव कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने सूक्ष्म बल प्रयोग करके स्थिति को नियंत्रण में किया। परंतु जब ये वीडियो बनाई गई है तो उस समय उपद्रवी वहां से भाग गए थे, उन्होंने महिलाओं को आगे कर दिया था। इसलिए पूर्ण सत्य ये है कि पुलिस द्वारा वहां पर नियमों का पालन करते हुए चुनाव के दिन कानून व्यवस्था की स्थिति को सामान्य रखने के लिए पूर्ण कार्रवाई की है। इस प्रकरण में जिनके द्वारा भी पथराव किया गया है या उपद्रव किया गया था उनके विरुद्ध FIR पंजीकृत कर कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। दरअसल असली केस सपा के आलोचक बता रहे हैं। उनका दावा है कि अखिलेश यादव ने आधी अधूरी वीडियो शेयर की है। लोगों ने अखिलेश यादव के ट्वीट यानी कि एक्स पोस्ट का जवाब देते हुए एक पूरी वीडियो अपलोड की है जो 1 मिनट 48 सेकंड की है, जिसमें भीड़ दंगा करती कहीं ना कहीं नजर जरूर आ रही है। घर की छत पर कई महिलाएं खड़ी हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो ये कहना मुश्किल है कि आखिर कौन गलत है इस मसले पर और कौन सही है। यकीनन ये जांच का विषय जरूर बन गया है, मगर ककरौली की ये घटना सिर्फ एक हिंसक विवाद नहीं थी, बल्कि ये लोकतंत्र के मुंह पर एक तमाचा थी। चाहे गलती प्रशासन की हो या जनता की, दोनों स्थिति में अपमान केवल लोकतंत्र का हुआ है, वो लोकतंत्र जो हमारी शान है। लोकतंत्र का पर्व जो दिन होता है जब हर दिन नागरिक को अपनी आवाज उठाने का हक देता है, अगर उस दिन महिलाओं को पुलिस द्वारा गोली मारने की धमकी दी जाती है या फिर खुद जनता की तरफ से उपद्रव किया जाता है, तो ये दोनों ही बातें लोकतंत्र की सबसे बड़ी हार कही जाएंगी। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देश दुनिया की बाकी और खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।